हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड तशीदलेक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेंजिन साय मुनबस वीडियोस। तो काफ़ी दिनों बाद एक नया व्लॉग के साथ आया हूं आप सबके सामने। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो मैं सोचा एक पहाड़ के टॉप में चढ़ के दिखाऊंगा आप सबको कैसा वहाँ से व्यू कैसा आते, मैं आपको आप सबको दिखाने का कोशिश करूँगा। अभी जाएंगे हम और मेरा एक दोस्त है मेरा, उनके साथ जाएंगे हम यहाँ पे। तो हम लोग उस पार उसके टॉप में चढ़ने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं आप सबको एक बार फ्रंट कैमरा करके दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखिए गाइस, वो है पहाड़ जिसमें आज मैं चढ़ने वाला हूँ, मैं और मेरा दोस्त। काफ़ी ऊँचा पहाड़ है तो उसके ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से कैसा व्यू आता है वो मुझे भी खुद पता नहीं है। आज मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पर, वहाँ से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा व्यू मिलने मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए वी विल क्लाइम अप दैट माउंटेन एंड वी विल शो यू ऑल द व्यूज। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो कुछ इस प्रकार है यहाँ का नज़ारा, ठीक है। एक बार अभी हम लोग टॉप में नहीं हैं, फिर भी इतना काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो ऊपर जाएंगे तो और भी अच्छा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेंगे। हम लोग ने हेलमेट पहन लिया है, हेलमेट कुछ इस प्रकार है, कुछ नहीं होंगे इसके ऊपर पत्थर गिरेगा तभी भी कुछ नहीं होगा, तो इसके उसको पहन के जाएंगे हम लोग। तो अभी रास्ता नहीं पता, हम दोनों को रास्ता नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नाला है छोटा सा, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इस नाले के थ्रू जाएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग का बुजुर्ग लोग क्या करता था कि वो लोग को रास्ता मालूम नहीं होने से वो लोग इसी एक ट्रेन का थ्रू जाता था, वो लोग उसी का वो पानी को देख देख के चलता था वो लोग। तो हम दोनों भी आज उसी प्रकार इस पानी को थ्रू चलेंगे, इस पानी के थ्रू चलेंगे। आज हम दोनों का रास्ता यही है, अभी पानी है, देखिए कितना सफा पानी है, हम लोग इसे पी भी सकते हैं। हम दोनों ने साथ में खाने पीने के लिए कुछ भी लेके नहीं है, खाली हाथ जा रहा हूँ। पानी वानी प्यास लगे तो रास्ते में ऐसे ही नाले से पी लेंगे, क्योंकि बहुत सफा पानी है। तो दिखाएंगे आगे का नज़ारा। तो देखिए यहाँ पे आगे भाई मुझे ले जा रहा है रास्ता दिखा दिखा के, उश। तो जाएंगे हम दोनों, काफ़ी भयानक जंगल है, इस जंगल का बीच से जा रहे हैं हम दोनों। काफ़ी थक गया हूँ मैं तो चलते चलते, कुछ इस प्रकार से चलना पड़ता है। अभी तो बस थोड़ा देरी जा रहा है, अभी और मोर देन 2-3 आवर्स ऐसे ही कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। काफ़ी थक गया, यहाँ पहुँचे हम दोनों और इतना सुंदर सा फूल मिला मुझे, तो सोचा आप सभी को दिखा दूँ। और कुछ इस प्रकार का है ये फूल, यहाँ का सुंदर सुंदर पेड़ देखिए और नज़ारा तो क्या ही बोलेगा, बहुत ही लाजवाब है। हम दोनों को उसके ऊपर चढ़ना है, अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चलते जाएंगे जब तक मंजिल ना पहुंचे, और आप सभी को दिखाते रहेंगे ऐसा अच्छा अच्छा व्यू। और देखिए ये सब जो है हम लोग भाषा से इसको पोइशिंग कहा जाता है, जिससे अगरबत्ती बनता है, हम लोग लोकल अगरबत्ती। गाइस एक बार ये नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये आगे सामने में एक छोटा सा घर मिला हमें, जो कि इन घर में ब्रोकपा लोग रहते हैं, ब्रोकपास यानी कि जो लोग ये याक और गाय का देखभाल करते हैं, तो उन लोग रहते हैं इसमें। एक लौता घर है, एक सिंगल घर, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। देखिए हमें उसके ऊपर चढ़ना है, वी आर स्टिल सो फार, ठीक है।
तो गाइस अभी यहाँ पे ये ब्रोकपा का घर के सामने में एक व्यू पॉइंट एक तो है एक चूचा करके, तो उसको ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। आई थिंक यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा मुझे, इसलिए चढ़ रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा रास्ता है, ये पीछे से रास्ता है और मेरे पीछे ये बाई। वाह देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कुआ टाइप का है, देखिए उसमें फूल उगा हुआ है और रास्ता नहीं है यहाँ से, तो काफ़ी कठिन रास्ता है यहाँ से। अब जो वो पहाड़ दिखाई दे रहा है ऊपर में सेला टॉप है वो, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्या है मुझे पता नहीं। फू बोलता है ये भाई, बोल रहा है कि फू है। और आगे और एक तो प्रॉपर लोग का पुराना घर एक तो है जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ पे नहीं रहता है अभी। एक झंडा लगा के रखा है यहाँ पे, बट हवा तेज के कारण झंडा को पूरा उखड़ के फेंक दिया है। वो रहा सेला टॉप, वो रहा में हमारा डेस्टिनेशन। तो उसको ऊपर से सेलब लेक का नज़ारा भी कुछ देखने को मिलेगा। आई थिंक आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए मैं जाऊँगा वहाँ पे। यहाँ पे मुझे बहुत प्रकार प्रकार का चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए इतना सुंदर सुंदर फूल, फूल का नाम तो पता नहीं है मुझे, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेशन पे बोल देना। और यहाँ पे आई थिंक इट्स कॉटन, मे बी कॉटन जैसा है देखने में, तो ऐसा कुछ देखिए कौन सा प्लांट है मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेशन पे लिखिए। तो फिर शुरू करते हैं अपना जर्नी, यहाँ से चलेंगे यहाँ से। देखिए गाइस वहाँ पे याक है, एक याक का फैमिली, कितना सुंदर सा, एक याक का बच्चा भी है, काफ़ी सुंदर है देखने में, लेकिन भाग गया हमें देख के। बहुत ऊपर पहुंच गया हम दोनों, बट स्टिल हम लोगों ने आधा भी कंप्लीट नहीं किया है, और भी आधा जाना बाकी है। ऑक्सीजन बहुत ही कम है यहाँ पे, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में चलते जाते हैं उसी प्रकार आपका ऑक्सीजन बहुत कम होते जा रहा है। वहाँ जाना है अभी, देखिए वी आर ऑलमोस्ट ऑन आवर डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। देखिए याक, कितना प्यारा प्यारा है देखिए याक, देखिए यहाँ पे एक बड़ा याक है। गाइस देखिए ये घर का रास्ता मिला और आगे इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। ये घर रास्ता जो कि सेला टॉप होकर आता है, और ये रास्ता आपको ले चलते हैं जो 108 मैंने मंदला टॉप, वहाँ निकलेंगे ये रास्ता। तो बीच में आपको नागा जीजिए पड़ेगा, और कुछ इस प्रकार है यहाँ से नज़ारा। वाओ एक लेक है वहाँ पे, काफ़ी सुंदर लेक है, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी ठंडा है लेकिन यहाँ पे, थोड़ा आगे इतना अच्छा मौसम था, धूप था, लेकिन अभी धूप दिखाई नहीं दे रहा है। एक लेक है, लेक कौन सा लेक है वो तो मुझे पता नहीं, बट सच एन ब्यूटीफुल यार, देखिए नज़ारा। आई थिंक दैट वन इज सेला टॉप, हमें उसके ऊपर चढ़ना है, हमें यहाँ से जाना होगा आगे। तो हम दोनों आए थे वहाँ से, हम सबको दिखाएंगे हम दोनों कहाँ से आए थे। ये रास्ता था, हम दोनों आया था वहाँ से, देखिए
बहुत नीचे से वहाँ से चढ़ के यहाँ रास्ता पहुँचा है और अभी यहाँ से ऊपर टॉप पे जाना है। तो काफ़ी थक गया है, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर से अपना ट्रैकिंग को शुरू करेंगे। काफ़ी थका हुआ है बट हिम्मत नहीं हारेंगे हम लोग जब तक टॉप पे नहीं पहुँचेंगे। सो गाइज, मैं फाइनली यहाँ टॉप पे पहुँच चुका हूँ काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पहुँचने के बाद वेदर अचानक से चेंज हो गया, पूरा फोगी फोगी हो गया। थोड़ा आगे इतना क्लियर था वेदर, बहुत काफ़ी सफ़ा था, सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अभी यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा व्यू कैमरा में। तो आई थिंक बहुत ही ख़राब दिखाई देंगे व्यू, मुझे अपने आँखों से भी अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा है, काफ़ी ख़राब वेदर है। लेकिन भी मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है ऐसा टॉप में बैठ के। यहाँ एरिया में जितना भी आपका ये माउंटेन्स है, सभी ये माउंटेन से छोटा है। मैं सबसे ऊंचा टॉप में बैठा हूँ अभी यहाँ से, तो यहाँ से नीचे का आप लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ से नीचे कैसे दिखाई देता है। देखिए यहाँ से नीचे कुछ इस प्रकार है, पूरा फोगी फोगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तो कुछ इस प्रकार है नीचे से, बहुत ही रिस्की है, हवा बहुत तेज मार रहा है, बट मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये रहा हेलमेट मेरा। अच्छा, इस हेलमेट को वहाँ से पहन के ले गया था जो कि हमें पटेल कंपनी के द्वारा दिया गया था फॉर सेफ्टी। तो गाइस ऐसा है कुछ व्यू यहाँ का, काश ये बादल नहीं होता तो काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू आना था, बट बादल ने वेदर साथ नहीं दिया, मौसम साथ नहीं दिया। देखिए काफ़ी सुंदर लेक और बहुत ही बड़ा है, वाओ। देखिए वहाँ पे यक बाहर निकल चुका है अभी, थोड़ा आगे अंदर पे था, लेक का अंदर था, लेकिन वो अभी देख कर किनारा पहुँच गया। देखिए स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है अपना तवांग, काफ़ी सुंदर है। आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा लेक देखने को मिलेगा आज का व्लॉग में। मेरा ड्रीम था कि उसके ऊपर पहाड़ के टॉप में चढ़ने का, पहाड़ के ऊपर टॉप में तो चढ़ लिया, लेकिन ऐसा लेक भी देखने को मिलेगा सोचा नहीं था, लेक देख लिया अभी, काफ़ी खुश हो गया। देखिए वहाँ पे याक दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, वो रहा याक, दैट वन इज याक, वाओ। सो गाइस अभी नीचे जाएंगे हम लोग, तो मैं वीडियो को ये एंड करूँगा। अच्छा, आप सभी को सोचा कि अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा व्यू दिखाने का मन था, सोचा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं आप सभी को अच्छा से व्यू दिखा नहीं पाया। तो आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, तो मैं आप सबको प्रोमिस करूँगा कि मैं जब भी दोबारा इस जगह पे आऊँगा तो मैं आप सभी को व्यू दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा। आज तो इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज वेदर इज़ नॉट सपोर्टिंग अस, तो इसलिए वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना, नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहला पहुँचे। तो सभी लोग अच्छे से रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू सो मच गाइस, तुझे।